नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल इंटरैक्ट में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिव्यू एक आहूजा के मिक्सर का, जो कि प्रोफेशनल मिक्सर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं क्या है इसके फीचर्स, आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों मेरे पास है आहूजा का प्रोफेशनल मिक्सर, जिसका मॉडल नंबर है PMX732FX, जो कि काफ़ी अच्छा मिक्सर है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, इसके टॉप पे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसके टॉप पे यहाँ पे एक अर्थिंग दिया हुआ है, जिससे आप अर्थिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा वाला दिया हुआ है पावर इन, यानी कि यहाँ से आपका पावर सप्लाई अंदर जाएगा। और ये फ्यूज़ है, कभी कभार जैसे शॉर्ट हो जाता है तो उससे फ्यूज़ शॉर्ट हो जाता है और आपका मशीन बच जाता है। और यह है ऑन ऑफ स्विच। तो दोस्तों तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला वाला जो दिया हुआ है, पहले माइक के लिए दिया हुआ है, और इसमें आप पहले वाले पोर्ट में 48 वोल्ट की माइक को कनेक्ट कर सकते हैं। आहूजा का 48 वोल्ट का माइक आता है, उसको आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 48 वोल्ट की 5 पिनें दी हुई हैं, 5 पिनों को आप कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 5 48 वोल्ट के माइक को आप कनेक्ट कर सकते हैं इस मशीन के साथ में, यानी कि इस मिक्सर के साथ में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप नॉर्मल माइक को यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे 7 माइक को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पहला वाला पोर्ट, यानी कि यहाँ पे हम लोग का पहला माइक यहाँ कनेक्ट होगा, और यहाँ दूसरा कनेक्ट होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ पे छठा, सातवां, दोनों साथ में दिया हुआ है, आप साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे +4 dB और -10 dB तक, मतलब होता है कंट्रोल, इसके बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ कंट्रोलर्स दिए हुए हैं, जिसकी सहायता से आप इफ़ेक्ट वगैरह ला सकते हैं, यानी कि जैसे आप इसको जैसे भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला कंट्रोलर साउंड के लिए दिया हुआ है, आप साउंड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑक्स वन के लिए दिया हुआ है, यानी कि ऑक्स वन आपका जो यहाँ वाला कनेक्शन होगा, ऑक्स वन वाला, ऑक्स रिटर्न जो यहाँ पे है उसका कनेक्शन यहाँ पे होगा, यानी कि इसकी सहायता से आप उसके वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे इसी प्रकार सभी कनेक्शन एक साथ दिए हैं, यानी कि ये पहला वाला रो, पहले वाले रो में जैसा फीचर है वैसा सेकंड वाले में भी है, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में, फिफ्थ वाले में, सिक्स वाले में, तीनों का सेम है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ हिंट्स दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद इस इफेक्ट्स की बात करेंगे। पहले आप यहाँ देख लीजिए, ये है ऑन ऑफ स्विच, यानी कि ऑन ऑफ स्विच का यहाँ पे एक कार्य है कि आपका जैसे माइक यहाँ पे फर्स्ट वाला कनेक्टेड है, आप यूज़ कर रहे हैं माइक को, अगर आप चाहें तो यहाँ पे बिना प्लग को, मतलब वायर अनप्लग किए आप माइक को यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है, इसकी सहायता से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसलिए ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है। ये है वॉल्यूम कंट्रोलर, यानी कि माइक का साउंड जितना ज़्यादा होगा, आप जैसे हर माइक का साउंड कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, किसी माइक का कम हो जाता है, आप अलग अलग तरीके से माइक के साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जैसे कि कहीं कहीं ज़्यादा यूज़ करना होता है, इस वजह से ये कार्य में आता है। ऐसा ही पांचों रो में दिया हुआ है, पांचों रो में सेम काम है इस बटन का। अब हम लोग आते हैं इफेक्ट वाले कॉलम पे। इफेक्ट वाले कॉलम पे आपको मिल जाएगा डिले सिलेक्टर, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन मोड दिया हुआ है, तीन मोड में आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा क्लियरली इसने मेंशन किया हुआ है कि डिले सेटिंग यहाँ पे 60 से 300 मिलीसेकंड के लिए होगी, और 300 से 500 मिलीसेकंड के लिए होगी, 500 से 650 मिलीसेकंड के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला देखिए वॉल्यूम जो है हमारा, यानी जो पोटेंशियोमीटर है वो है डिले का, यहाँ पे 10 कॉलम के जरिए मेंशन किया गया है, 10 पॉइंट के जरिए आप यहाँ पे 10 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको डिले को देख सकते हैं। और यहाँ पे रिपीट मोड है, आप यहाँ से रिपीट करवा सकते हैं किसी भी साउंड को। और यहाँ पे है जो है इसका ऑन ऑफ स्विच, यानी कि इस इफेक्ट को अगर आप ऑन ऑफ करना चाहें, जैसे कि आपको कभी म्यूजिक प्ले करना होता है तो आप इसको ऑफ करके म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं। और ये है इसका कंट्रोलर, यानी कि इसका वॉल्यूम कंट्रोलर, यानी कि अगर वॉल्यूम इसका ज़्यादा हो तो यहाँ से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं ऊपर नीचे करके। ये है पीक, पीक एलईडी। बहुत लोग नहीं जानते पीक एलईडी क्या होती है। पीक एलईडी बारे में आपको बता दूं, सभी में पीक एलईडी दी हुई है। यह जैसे कि अगर हमारा जो वॉल्यूम आउटपुट जो है 15 डीबी से ऊपर जाता है तब ये पीक एलईडी ग्लो करती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अगले आने वाले वीडियोस में। यहाँ पे देखिए ऑन एलईडी, यानी कि अगर इसे ऑन करेंगे तो ऑन एलईडी ग्लो करेगी। मैं आपको दिखाऊंगा इसको भी। और यहाँ पे है आउटपुट, यानी कि लेफ्ट आउटपुट और राइट आउटपुट, ये दोनों आउटपुट दिए हुए हैं। और ए है, यानी कि इसके सहायता से आप इसमें आउटपुट
इससे भी ले सकते हैं और इससे भी ले सकते हैं, दोनों तरीके से आप आउटपुट को ले सकते हैं। यह है ऑक्स रिटर्न। ऑक्स रिटर्न का यहाँ पे एक काम है, जैसे कि आप यहाँ पे कोई और दो तीन मशीन को आप कनेक्ट, दो मशीन को मैक्सिमम आप कनेक्ट कर सकते हैं इससे। यहाँ पे दो पिन दिए हुए क्योंकि दोनों मोनो है, इस वजह से आप दो मशीन को यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों मशीन को आप यहाँ पे पहले वाली मशीन को कनेक्ट करके आप उसके बैक साइड में जो मशीन इनपुट वाला सेक्शन होगा उसमें आप कनेक्ट कर दीजिएगा, और इसमें आप दूसरी मशीन में सेम प्रोसीजर कर सकते हैं। यहाँ पे है ये वॉल्यूम एलईडी है, यानी कि आउटपुट लेवल जो आपका जो होता है, जैसे कि साउंड कम ज़्यादा जब होता है तो एलईडी उसके हिसाब से ऊपर नीचे होती है। और ये है ऑक्स वन रिटर्न वाला, यानी कि जो ऑक्स वन है यानी कि ए वाला, और इसका जो रिटर्न वाला है इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ऑक्स टू को इसी प्रकार है, और ऑक्स सेंड को भी इसी प्रकार है, ऑक्स सेंड टू को भी इसी प्रकार है। और यह है दोस्तों मास्टर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे होता है। यहाँ पे आप इसको ऊपर नीचे करके आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। जैसे कि अगर वॉल्यूम आपका ज़्यादा हो तो यहाँ से आप नीचे कर देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, या लेफ्ट वाले कॉलम को आप वॉल्यूम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट वाले कॉलम की वॉल्यूम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आते हैं इसके कुछ हाइलाइट्स के ऊपर। इसके हाइलाइट्स में आपको मैं दिखा दूँ, ये है जो कि आपका ए वाला जो 5 माइक है जो 48 वोल्ट पे काम करता है, उसकी ऑन ऑफ स्विच है। इसकी सहायता से आप 48 वोल्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई लगाई थी इसलिए दिख रहा है आपको। और यहाँ पे है दोस्तों पावर एलईडी, ये जब ऑन होता है मशीन तब दिखाता है। ये देखिए मैं अभी ऑन कर देता हूँ मशीन को, ये देखिए मशीन ऑन हो गई। ये देखिए 48 वोल्ट ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। और मैं आपको इसके बारे में बता रहा था, इसकी ऑन ऑफ एलईडी देखिए, ये देखिए ऑन ऑफ एलईडी इसकी भी है, ठीक है। और दोस्तों ये है प्लेबैक एलईडी, इसके बारे में मैं आपको अभी बता दूं। यहाँ पे आपका क्या लगेगा, जैसे कि आप यहाँ पे जो आउटपुट लेना चाहते हैं, मतलब इनपुट करना चाहते हैं, जैसे कि मोबाइल से कभी प्ले करना होता है साउंड को, तो यहाँ से आप मोबाइल का जो राइट लेफ्ट केबल होता है आउटपुट वाला उसको यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। और यहाँ से आप आउटपुट जैसे कि आपका होम थिएटर हुआ जो होता है इंटेक्स वगैरह का, उसको आप यहाँ से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, यानी कि आउटपुट आप ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमारा क्या, आप यहाँ से लगाकर पीसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इनपुट कर सकते हैं, या मोबाइल से इनपुट करें या टीवी से इनपुट करें, किसी भी चीज़ से आप यहाँ पे इनपुट साउंड कर सकते हैं। और यह दोस्तों प्लेबैक। प्लेबैक क्या है, जैसे कि आप यहाँ जो इनपुट साउंड करेंगे उसका वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए है। इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि आपका कोई म्यूज़िक प्ले है, आपको डायरेक्टली तुरंत अगर मान लीजिए माइक आपने चालू कर दिया, आप म्यूज़िक को ऑफ करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली बटन खाली क्लिक कर देंगे, ये ऑफ हो जाएगा। तो इसकी सहायता से वॉल्यूम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, हो सकता है। और यह है हेडफोन, हेडफोन्स के लिए, जैसे कि आपका जो हेडफोन जैक होता है, यानी कि हेडफोन होता है उसका जैक यहाँ पर लग जाएगा। हेडफोन लगा करके आप म्यूज़िक को पहले सुन सकते हैं फिर उसके बाद प्ले भी कर सकते हैं। ये वॉल्यूम कंट्रोलर, यानी कि हेडफोन का जो वॉल्यूम होता है उसको कंट्रोल करने के लिए वॉल्यूम कंट्रोलर लगाया गया है। और दोस्तों इसके साइड में और कुछ भी मेंशन नहीं है, इसके बैक साइड में भी कुछ नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसी प्रकार आप किसी भी मिक्सर को इजीली यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले। बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।